हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जब इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं थे, फंड्स की वजह से हमारा जो है वो डिक्लाइन हो गया। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया जो है नॉर्मली फाइनेंशियल जो ग्राउंड लगाता है ना, कभी भी फंड रिक्वायरमेंट के ऊपर बहुत कम चांसेस है कि वो आपको डिक्लाइन करता। तो वो डिटेल क्या होती है, जहाँ मिनिमम कितने फ़ंड जो है वो आपको चाहिए अगर आप आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगाते हैं। तो इस वीडियो में सारी डिटेल रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। और अगर फाइलिंग रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपको असिस्टेंस चाहिए फाइलिंग अप्लाई करने में ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री के रिलेटेड, तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। सो यहाँ पे बात करें तो फ़ंड रिक्वायरमेंट पे आते हैं। देखिए, पहले तो बताता हूँ कितने फंड चाहिए। देखिए, आप में से भी कईयों के आए होंगे, सो जिनके नहीं भी आए उनको मैं बता देता हूँ कि अगर ऑस्ट्रेलिया वीज़ा अप्लाई करना है, आप चाहे विद फैमिली भी अप्लाई कर रहे हो, आपके पास 5 लाख या थोड़े बहुत ऊपर फंड्स है, तो जो है वो वीज़ा के एंगल से देखें तो सफिशिएंट है। मैं ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि कोई सुनी सुनाई बातें हैं, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत से केसेस हैं, एक नहीं दो नहीं कई केसेस हैं यहाँ पे ये 5 लाख के आसपास की फंडिंग, इवन इससे कम फंडिंग भी और फैमिली केसेस थे, तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है। अब दे कैनेडा पे इंप्लीमेंट नहीं होगा दोस्तों, अगर आप सोचो कि कैनेडा को भी इससे कंपैरिजन कर लो तो कैनेडा का नहीं कर सकते, ये सिर्फ मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए बता रहा हूँ। तो फंड्स आपके 4-5 होते हैं, ठीक है, बाकी आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं, इवन आपके पास कम है तो आपका जो इन्वाइटर है वो भी अगर अपनी स्टेटमेंट दे रहा है और लिख रहा है कि मैं सारा खर्चा उठा रहा हूँ, तो इससे बहुत कम फंड्स के ऊपर भी लोगों के वीज़े आए हैं। तो इससे सीधा सीधा समझ में आता है कि ऑस्ट्रेलिया फ़ंड को लेके इतना ज़्यादा तो सीरियस नहीं रहता या ऑब्जेक्शन नहीं लगाता। फिर क्या कारण है कि जब आप अपना रिफ्यूज़ल पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा होता है कि वी हैव चेक्ड योर ऑल डॉक्यूमेंट, योर पे स्टब, योर बैंक स्टेटमेंट ETC एंड फाउंड दैट इट्स नॉट सफिशिएंट एज पर द लिविंग कंडीशन इन योर होम कंट्री, या इतना सफिशिएंट नहीं है कि आपकी जो कंट्री की लिविंग कंडीशन है उसके हिसाब से। तो ज़्यादातर लोग इसको पता कैसे समझते हैं, यार मेरे पास ना फ़ंड थे 5 लाख थे 6 लाख थे, उन्होंने कहा कि फ़ंड कम है तो मैं फ़ंड पूरे करके लगाता हूँ। कईयों ने लगाया होगा कि चल 5 लाख है 5 और डलवा लो, 10 लाख कर लिए होंगे और उसके ऊपर फिर से रिफ्यूज़ल आ गया होगा। इवन ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने ऑलरेडी 20 लाख लगाए थे, उनको भी यही रीज़न आया। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि वो फ़ंड की बात नहीं कर रहे कि नॉट सफिशिएंट, फ़ंड की बात तो की ही नहीं उन्होंने, उन्होंने बात की है आपके फाइनेंशियल टाइज, जो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो आपका वर्क है, जहाँ आपका बिजनेस है, वो उनको लगता है कि लिविंग कंडीशन के हिसाब से अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का कंपेरिजन करते हो, डिफरेंस तो है आपको पता ही है, वो उनको सफिशेंट नहीं लगता। अब इस रीज़न को भी समझना बड़ा थोड़ा ट्रिकी रहता है। कई बार क्या होता है कि उन्होंने वीज़ा नहीं देना तो आपको यही रीज़न लगा देंगे, जबकि आपके फाइनेंशियल में कोई कमी होगी ही नहीं। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि इंटेंशन के ऊपर डाउट है, और वो सीधा तो नहीं कह सकते, उन्होंने बस आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट करना था। ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डिंग भी उनकी होती है। इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे पास एग्जांपल है, 20-30 सैलरी वाले लोगों के वीज़े आए हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको, इधर उधर से सुनी बातें नहीं है, आए हैं वीज़े। इवन मेरे नोन में ही 18,000 सैलरी के ऊपर भी एप्लीकेंट का वीज़ा आया और एज भी 30 से बिलो थी, ठीक है। और मेरी ही नॉलेज में 3 लाख सैलरी वाले, एज 30 से बिलो वाले पर्सन का रिफ्यूज़ल भी आया, यही रीज़न लिख के कि फाइनेंशियल्स आर नॉट सफिशिएंट, फंड भी अच्छे थे। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि उनको जब इंटेंशन के ऊपर डाउट होता है कि इस बंदे के वापस आने के जो चांसेस है वो लिमिटेड है, तो उस केसेस में ये इस बिहाफ पे डिक्लाइन करते हैं। इसको ऐसे मत समझो कि फ़ंड नहीं थे या ये था वो था, बाकी कंट्रियों के लिए रूल जो है वेरी करते हैं। तो अब फाइनली कितने फंड्स चाहिए आपको, सीधा सीधा हिसाब है, आने को तो 2 लाख फंड के ऊपर भी मैंने वीज़ा देखे हुए हैं, बट रिकमेंडेशन है अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हो तो कम से कम 3 लाख प्लस रखो, 5 लाख कर लो अगर फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हो, तो मतलब 3 से 5 के बीच में आपके मिनिमम, आप इसको एक बेंचमार्क सेट कर लो कि आप अपना फाइनेंशियल जरूर प्रेजेंट करो। अब नए फंड है पुराने फंड है, इससे थोड़ा सा डिफरेंस आता है केस के ऊपर, क्योंकि हर कंट्री ये देखती है, अगर रिसेंट फंड डलवाए हैं तो आपको उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, नहीं तो कोशिश करें कि सिर्फ बैलेंस सर्टिफिकेट लगा लें और जो सैलरी अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट जरूर लगाएं अगर आपका जॉब वगैरह है। अगर फाइनेंशियल आपका करंट अकाउंट उनके लिए थोड़ा सा ईजी है, आपके बिजनेस से
रिसेंट कोई इनकम आती है, मान लो आपका खाली अकाउंट, तो बिजनेस से आपको 2-3 लाख चाहे रिसेंट में भी आ गई तो वो बिजनेस इनकम है, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, वहाँ पे तो रिसेंट भी चल जाते हैं। तो ऐसे बहुत से सिनेरियो होते हैं जो मतलब अब केस टू केस वेरी करता है, जिसको डिटेल में पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क खेलें और ऐसा मत सोचें कि ऑस्ट्रेलिया हर किसी को वीज़ा देगा, ये रहेगा ही रहेगा, फाइनेंशियल नॉट सफिशिएंट। एक और एग्जांपल लास्ट में मैं दे देता हूँ जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि जो मैंने कहा है कि वो ऑलमोस्ट सही है, सही ही है। तो उसका कारण है, आपने अपना लगा लिया, आपकी सैलरी है 30-40 हज़ार, आपके अकाउंट में 5 लाख है, ठीक है, आपने अपनी फाइल लगाई, उन्होंने लिख दिया कि फाइनेंशियल सफिशिएंट नहीं है जी, हम डिक्लाइन करें, ठीक है। सेम डॉक्यूमेंट लगाना अपने फादर या मदर के केस में, जिनकी एज 50 से ऊपर हो, 60 प्लस वाले हों, दादा दादी हों 60-70 वाले, उनके केस में लगा के देखना। सबसे पहले आप देखना आप ही के डॉक्यूमेंट के ऊपर उनको वीज़ा दे दिया जाएगा। तो इसका कारण क्या है, फाइनेंशियल तो ठीक थे ना, तो इसका कारण है कि इंटेंशन के ऊपर डाउट है, इसीलिए उन्होंने आपको डिक्लाइन किया। बाकी कोई क्वेश्चन होता है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर ले, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी नहीं बना सकते, बहुत सी है, केस टू केस चीज़ें वेरी करते हैं। और ऑन कॉल गाइडेंस सर्विस भी है, आप सीधा बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। फाइलिंग में असिस्टेंट चाहिए तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।